ओके गाइस, आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में भजन पर ढोलक किस तरीके से बजानी है। और ये भजन है, एक बॉलीवुड गाना कवाली है, उस पर बेस्ड है अल्लाह ये अदा। दोनों तैयार हो जाएंगे आपके ये वीडियो देखकर। ध्यान से देखिए, पहले डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ इसमें हुआ क्या है। भजन के अकॉर्डिंगली थोड़ा बता रहा हूँ अभी भजन में किस तरीके से बजाए। स्टार्ट हो रहा है। आपने देखा कितनी मल्टीपल चीज़ें यूज़ हुई है। स्टार्टिंग में एक उठान यूज़ हुई है, फिर स्लो पैटर्न है जो कि थोड़ा 1-2 टाइप का है, उसमें थपकी यूज़ कर रहे हैं। फिर स्लो से तेज़ में कैसे जाना, तो एक इन्होंने फिलर यूज़ किया। सो स्लो में तेज़ जाना, स्लो से तेज़ जाना भी सीख जाएंगे। फिर तेज़ में बहुत सारे पैटर्न्स फिलर्स यूज़ हुए, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो, एंड प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो का मतलब आप सब पूरी देखते हैं आई नो, बट आगे कर करके देखते हैं, उससे क्या होता है कि वीडियो पे बैड इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, बहुत काम की वीडियो है आप लोगों के लिए, राइट। अभी रिसेंटली मैंने एक पोल डाला था जिसमें पूछा था कि अगली वीडियो में क्या एक्सप्लेन करूँ। 60% लोगों ने बोला कि भजन एक्सप्लेन कीजिए ढोलक पर, और 20% लोगों ने बोला सॉन्ग एक्सप्लेन कीजिए ढोलक पर। इस वीडियो में तो दोनों मिल रहे हैं, इसी बीट में यही सेम सॉन्ग भी है और भजन भी है, राइट। तो ध्यान से देखिए वीडियो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग में इन्होंने उठान ली है, ये उठान के बोल क्या है, ता तेरे किट तक तक तेरे किट। एक्सप्लेन करता हूं स्लोली। ता, इसमें ता किनार पे यहां बजा है, ता साथ में बेस स्लैप आ रहा है। ता तेरे किट तक तक तेरे किट, इसी चीज को तेज बजा रहे हैं बस ये। ता तेरे किट तक तक तेरे किट। अभी इस पैटर्न की बीट कर बात करें तो 1-2 1-2 बीट की तरह है, बस इसमें थपके साथ लगा रहे हैं। बोल देखते हैं, ओके। तो धिद्धा धित्ता, बस इसको टेम्पो में बजाना है, बहुत इजी है, पर टेम्पो में बजाने का थोड़ा देखिएगा। तो क्या है, धित थपके के साथ बेस आगे जा रहा है, धित धा, धा किनार पे बजा, बेस वहीं पे जहां आगे गया था वहीं पे बजा दिया, धित धा। उसके बाद धित, ये खुला बेस आ रहा है, और ता, बस दोबारा से स्लोली, धी में बेस आगे गया थपकी के साथ, धा में किनारे यहां मदीन में बजाई और बेस वहीं पे जहां पे हाथ था वहीं पे बजा दिया, धी धा। फिर धी, इसमें बेस पीछे आ रहा है मतलब कि खुला बज रहा है थपकी के साथ, और ता, दैट्स इट। इसी को टेम्पो पे बजाएंगे बिल्कुल स्लोली, कुछ इस तरह से, धी धा धी ता धी धा धी ता धी धा। अब इसके बाद ये लोग इस पैटर्न से तेज में गए जो कि कहरवा पे गए, तो ये कुछ फिलर यूज किया इन्होंने। तो ये क्या है, तिट ताता तिट ताता तिट ता तेरे किट तक तेरे किट। दोबारा से देखते हैं, तिट तिट पहली उंगली से बजा रहा हूं, देख लीजिए ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, तिट ताता तिट ताता तिट ता तेरे किट तक तेरे किट। दोबारा से स्लोली, तिट ताता तिट ताता तिट ता तेरे किट तक तेरे किट। इसी को तिट ताता तिट ताता तिट ता तेरे किट तक तेरे किट, तिट ताता तिट ताता तिट ता तेरे किट तक तेरे किट, राइट। स्लोली स्लोली प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। राइट ना, अच्छा आगे फिर ये पैटर्न्स एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस आगे बढ़ने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रियाज एप्लीकेशन। रियाज एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप घर बैठे ही म्यूजिक सीख सकते हैं और अपनी सिंगिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं।
इस एप्लीकेशन में अलग अलग तरह का म्यूजिक सिखाया जाता है, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, साउथ इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक एंड बॉलीवुड म्यूजिक। यहाँ पे गुरु है जिनके साथ आप रियाज कर सकते हैं, अपने वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को एंड अपनी म्यूजिक जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, स्लो से तेज में आगे फिलर लेकर अब ये पैटर्न धिटे देना ही बज रहा है, पर इसमें मैं अभी छले का यूज कर रहा हूं। देखिए, राइट, तो छल्ला जब इसमें लगा रहे हैं तो धी ट ट बिल्कुल सॉफ्ट आना चाहिए, धी बेस के साथ छल्ला, धी ट धी ना टी ट धी ना, यही चीज, धी टे धी ना टी टे धी ना टी टे धी ना धी टे धी ना टी टे धी ना। अगर किसी को धिट देना अच्छे से नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस वीडियो का जिसमें ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, तो जाकर चेक कर लीजिए। गाइज, किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि फ्यूचर में सारी वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँ आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है आपको। आगे ठेके पे आ गए, नॉर्मल ठेका बजाते रहेंगे, राइट। अभी इसमें एक पार्ट में बेस में ऐसा भी कुछ काम हो रहा है, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कभी फ्यूचर में आगे डेफिनेटली बता दूंगा, अभी इतना टाइम लिमिटेड है, तो मैं सोच रहा हूँ आगे वाली चीज़ें ना छूट जाए, आगे क्या हो रहा है, राइट। यही ठेका धीरे धीरे ना चला है, दूसरी लाइन में क्या हुआ, ये पहले फिलर लिया है, किट ता तेरे किट तक तेरे किट, किट ता तेरे किट तक तेरे किट, ये फिलर लेके फिर इस वेरिएशन पे आए हैं, बेस देख रहे हैं, बेस में सारा काम हो रहा है, बोल देखते हैं, ओके, धिट धिट तिंधा धिट तिंधा टिट धिंता धिट धिंता टिट तिंता, ये बोल है। बजाना का तरीका किस तरीके से बजाना है, धिट धिट धा ती ट के साथ बेस, दोबारा ध्यान से, धिट तिन धा, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, धी खुला बेस बजाया, धी ट के साथ कुछ बेस नहीं बज रहा है, फिर तिन बज रहा है ऐसे ही, और धा में बेस बज रहा है साथ में, पहली चीज समझ गए, धिट तिन धा, फिर ती ट ट के साथ बेस बजा रहा हूं मैं, तिट धिन राइट, पहले देखते हैं दो, राइट, तिट धिनता, उसका धिट धिनता, धिट धिनता, तिट धिनता, बहुत सिंपल है, दोबारा से देख लीजिए, स्लोली बता रहा हूं, धी ट तिन धा ती ट के साथ बेस, धिन ता धी ट धिन ता ती तिन ता, दैट्स इट, इसी को बजाते हैं, राइट ये चीज सीख लीजिए, क्योंकि ये हर गाने हर भजन में कहरवे के साथ लगेगी ही लगेगी, तो बहुत काम की है। अभी रिसेंट वीडियोस में देखिए, एक वीडियो है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा में ढोलक कैसे बजनी है वो एक्सप्लेन किया है, चेक कर लीजिएगा चैनल पर जाकर, उसमें भी ये चीज़ बताई है, प्रॉपरली बताइए। आगे बढ़ते हैं, अब ये तो हो गई भजन की बात, अब अगर गाने में सिर्फ स्टार्टिंग के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, तो गाने में स्टार्टिंग में कवाली स्लो, जो कवाली ठेका बजता है वो बजाए कुछ ऐसे,
तो बहुत सिंपल है, धा तिट धा धा ता तिट ता ता, धा तिट धा धा ता तिट ता ता, जिसमें कि धा थपकी के साथ बेस ओपन, धा तिट धा धा ता थपकी से तिट ता ता, बस यही चीज, धा तिट धा धा ता तिट ता ता, धा तिट धा धा ता तिट ता ता, धा तिट धा धा ता तिट ता ता, धा तिट धा धा। उठान के लिए वही यूज कर सकते हैं, बाकी फिलर और आगे का सब काम सेम हो।